हेलो दोस्तों, दिस इज ऋषिकेश मुदंतर फ्रॉम AW एकेडमी राठी नगर अमरावती और मैं AWA में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया है, अ स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट having a potential difference of 4000 volt across them, find the mass of particle. ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया है? देखो, एक चार्ज दिया है, नेगेटिव चार्ज कितना? −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब का, ठीक है, और दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज डी एक्स इज गिवन बाय 10 सेंटीमीटर यानी 10 × 10⁻²⁰ मीटर, ठीक है, और दो प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल है दैट इज बी इक्वल्स टू 4000 वोल्ट ये दिया है। तो इस 4000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 10⁻³ वोल्ट। और आपको क्या पूछा है, इस केस में जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हो उस चार्ज का मास स्मॉल m आपको पूछा, ठीक है। आप देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, आपके पास q है, v है और dx है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स का बेसिक फॉर्मूला आप लिख सकते हो F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकता हूं, F इक्वल्स टू mg। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन चाहिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी E इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला दूसरा मिलेगा, F इक्वल्स टू E इंटू क्यू। आप देखो इस केस में मास चाहिए, अगर आपको फोर्स पता है जी तो ऑलरेडी पता रहेगा, एफ निकाल सकते हो, लेकिन सबसे पहले एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है, और एफ क्या है ई इंटू क्यू, और क्यू पता है ई पता नहीं है, तो ई का फॉर्मूला रहता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू −dv/dx। इस डीवी के जरा इस वी को मैं डीवी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो That is −4000 upon dx कितना है 10 सेंटीमीटर 10 × 10⁻²। अब देखो एक जीरो कैंसिल करो, यहाँ पे बचेगा −1 और इसको क्या लिखा था, दैट इज इक्वल्स टू −4 × 10³ इंटू 10⁻²⁰ ऊपर 10⁻²+1, तो आपको मिलेगा दैट इज E इक्वल्स टू −4 × 10⁻²⁴, ठीक है, ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानि वोल्ट पर यूनिट मीटर, ठीक है, या दूसरा फॉर्मूला रहता है दैट इज न्यूटन पर कूलम। अब देखो यहाँ पे E की वैल्यू पता है तो F इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ E इंटू क्यू इक्वल्स टू M इंटू G, तो यहाँ से M निकल जाएगा, M इक्वल्स टू EQ अपॉन G, तो E कितना आया −4 × 10⁴, Q कितना है −1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन G 9.8, तो देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो M इक्वल्स टू 1.6 × 4 दैट इज 64 दैट इज 6.4 इंटू 10⁻¹ माइनस कितना आएगा ये −50 अपॉन 9.8, तो इसका अगर लॉग देते हो और इसका कैलकुलेशन करते हो तो उसका जो आंसर है वो आंसर आता है 0.653 × 10⁻¹⁵ या उसको ये लिख सकते हो m इक्वल्स टू 6.53 × 10⁻¹⁶ kg, ये रहेगा मास ऑफ
चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट नंबर का देखो, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनोकूलम एंड -2 नैनोकूलम आर प्लेस एट अ पॉइंट 2,0,0 एंड 20 cm,0,0 इन अ रीजन ऑफ अ स्पेस वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए और दो चार्जेस दिए है, एक 5 नैनोकूलम का और एक -2 नैनोकूलम का। तो देखो, एक चार्ज दिया क्यू 1 = 5 नैनोकूलम, नैनो एने दैट इज 10^-9 कूलम। ठीक है, इसकी पोजीशन दिया है 2 cm 0,0। दूसरा चार्ज दिया है -2 दैट इज Q2 -2 नैनोकूलम दैट इज -2 × 10^-9 कूलम और इसकी लोकेशन दिया है 20 cm 0,0। अब देखो, आपको क्या पूछा है, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए दैट इज U। तो फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज Q1 Q2 / 4πε₀ × r12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चाहिए r12, ये डिस्टेंस। अगर इसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हो, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हो और उसके बाद में डिस्टेंस निकालते हो तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। या यहाँ पे देखो, ये सिंपल दिया है, इसके वजह से पहले मैं r12 का वेक्टर निकालता हूँ, r12 बार, तो r12 बार इक्वल्स टू, तो मेरे को बोलो ये रहेगा 20i 0j 0k, तो इसीलिए मैं कहूंगा 20i। ठीक है, माइनस इसका वेक्टर -2r, तो यह आएगा 18i। क्या, तो यहां से r12 मैग्नीट्यूड के अंदर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर दैट इज 18, लेकिन इसमें था सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो 18 × 10^-2 मीटर। अब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू Q1 कितना है 5 × 10^-9 इंटू Q2 कितना है -2 × 10^-9। ठीक है, और आपको पता है 1/4πε₀ की वैल्यू दैट इज 9 × 10^+9 अपॉन r12 कितना आया दैट इज 18 × 10^-9। अब देखो 9 × 2 = 18, ये कैंसिल हो गया, ये +9 - 9 कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा 5 × ये माइनस भी है -5 × 10^-9 और ये -10^-2 ऊपर भेजते हो तो 10^+2, तो यहाँ से आएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -5 × 10^-7 जूल। ठीक है, तो ये रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। देखो नेक्स्ट नंबर का क्या कहता है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस शोन इन द फिगर, और आपको एक डायग्राम दिया है। एक स्क्वायर दिया है, एडिशन दिया है आर, यहाँ पे दिया है +Q, यहाँ पे दिया है +Q, यहाँ पे दिया है -Q, यहाँ पे दिया है -Q। ठीक है, और इस केस में इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और ये डायग्राम आपको गिवन है। टोटल चार्जेस कितना है, तो मैं इस यहाँ पे लिखता हूँ, यह है Q1, यह है Q2, यह है Q3 और यह है Q4। ठीक है, ये चार्जेस कंसीडर किए हैं। अब देखो ये डिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रहेगा, ये डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर दिया है आपको। अब मेरे को चाहिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे ये अगर स्क्वायर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मेरे को स्क्वायर का डायगोनल चाहिए।
तो स्क्वायर का डायगोनल अगर चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, तो ये रहेगा आर वन थ्री और ये रहेगा आर टू फोर। तो आर वन थ्री कैसे आएगा, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया इस ट्रायंगल में, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आर वन थ्री का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर आर स्क्वायर, तो कितना आएगा, दैट इज आर वन थ्री स्क्वायर इक्वल्स टू टू आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट आर वन थ्री इक्वल्स टू रूट टू इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई दैट इज रूट टू इंटू आर, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू आएगी रूट टू इंटू आर। ठीक है, अब देखो आपको डिस्टेंस कौन से पता है, इनके बीच में डिस्टेंस वन और टू के बीच में आर वन टू, टू और थ्री के बीच में दैट इज आर टू थ्री, वन और थ्री के बीच में आर वन थ्री, वन और फोर के बीच में आर वन फोर। ठीक है, और थ्री और फोर के बीच में दैट इज आर थ्री फोर। अब देखो इस केस में आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो फॉर्मूला था 1 upon 4 by epsilon 0 summation of all pairs in bracket यहाँ पे Q I Q J upon R I G। ठीक है, ये तो फॉर्मूला था। तो यहाँ पे अगर चार चार्जेस है तो यहाँ पे टोटल टर्म पोटेंशियल एनर्जी की इसमें आती है 6। कैसे, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, ये हो गई थी 2 टू 3, 2 टू 4, ये हो गए 2, 3 और 2, 5 और 3 टू 4, ये हो गए 6। तो यहाँ पे देखो इसको मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट, देखो इसको कैसे लिखता हूँ, 1 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस Q2 Q3 upon R23 plus Q2 Q4 upon R24 plus Q3 Q4 upon R34। ये हो गई टोटल 6 टर्म्स। अब देखो यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन करो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1 upon 4 by epsilon 0 इन ब्रैकेट Q1 Q2 Q1 Q2 ये है प्लस Q ये है प्लस Q, तो Q into Q Q square अपॉन R12 कितना है R प्लस Q1 Q3 Q1 Q3, तो यहाँ पे प्लस Q ये माइनस Q, तो यहाँ पे आएगा माइनस Q square अपॉन यहाँ पे डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में रूट टू इंटू आर, तो रूट टू इंटू आर प्लस Q1 Q4 Q1 Q4 ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू यानी माइनस क्यू स्क्वायर तो डिस्टेंस है आर, यहाँ पे आएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर प्लस नेक्स्ट है क्यू टू क्यू थ्री, क्यू टू क्यू थ्री ये प्लस क्यू माइनस क्यू डिस्टेंस है आर, यहाँ पे आएगा माइनस क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस आएगा आर। सिमिलरली क्यू टू क्यू फोर, क्यू टू क्यू फोर ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू डिस्टेंस है रूट टू इंटू आर, इसीलिए आएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू इंटू आर प्लस क्यू थ्री क्यू फोर ये माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस माइनस दैट इज प्लस दैट इज क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस है। अब देखो यहां पे देखो ये टर्म प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन आर और ये माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर कैंसिल होगा, ये प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन आर और ये माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस यहाँ पे आएगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन 0 इनटू माइनस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 इनटू आर, तो इस 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आएगा 2, तो आंसर आएगा आपका आंसर। आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, टू चार्ज पार्टिकल्स
having equal charge of 3 into 10 to the power minus 5 coulomb, each are brought from infinity to a separation of 30 cm. Find the increase in electrostatic potential energy during the process. ठीक है, दोनों को कहां से कहां लाया है? From infinity. ठीक है, दोनों का चार्ज 3 into 10 to the power minus 5 coulomb है और डिस्टेंस है कितना? That is 30 cm. आपको बोला है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो देखो यहां पे दोनों चार्जेस दिया है q1 equals to q2 equals to कितना दिया है 3 into 10 to the power minus 5 coulomb और दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर और आपको बोला है कहां से लाए है फ्रॉम इंफिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन तो इसीलिए मैं कहूंगा दैट इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू दैट इज q1 q2 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन 0 इनटू r आपको पता है 1 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इनटू 10 टू द पावर 9 इनटू q1 दैट इज 3 into 10 to the power minus 5 into 3 into 10 to the power minus 5 upon r कितना है 0.3 से डिवाइड करो यहां पे आएगा 10 और यहां पे देखो 10 to the power minus 5 10 to the power minus 5 और ये 10 to the power plus 1 ये आएगा 10 to the power minus 9 ये plus 9 कैंसिल हो जाएगा यानी ये हो गया कैंसिल कितना बचा 9 into 3 that is potential energy equals to 9 3 is 27 देखो न्यूमेरिकल दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस -2 माइक्रो कूलम्ब एंड +4 माइक्रो कूलम्ब विद नो एक्सटर्नल फील्ड यहां पे स्पेसिफिकली कहा है एक्सटर्नल फील्ड 0 है प्लेस एट -8 सेंटीमीटर 0.0 एंड +8 सेंटीमीटर 0.0 रेस्पेक्टिवली तो ये पहला क्वेश्चन दिया है और दूसरे क्वेश्चन में कहते हैं सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू a into 1 by r square वेयर a इक्वल्स टू 8 into 10 to the power 5 plus 5 सेंटीमीटर टू द पावर -2 व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन तो दो क्वेश्चन है पहले केस में कहा है एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो और दूसरे केस में कहा है एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट ठीक है और आपको दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले दो चार्जेस दिए हैं एक -4 माइक्रो कूलम्ब एक +4 माइक्रो कूलम्ब का तो देखो चार्ज वन -2 माइक्रो कूलम्ब और दूसरा चार्ज लिया है q2 इक्वल्स टू 4 माइक्रो कूलम्ब और इसकी लोकेशन -8 सेंटीमीटर 0.0 तो इसकी दिया है +8 सेंटीमीटर 0.0 ठीक है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा r12 बार तो ये कैसे निकालोगे That is r12 bar equals to iska position vector that is 8i minus iska position vector minus 8i. ये आएगा minus into minus plus यहाँ पे आएगा 8i plus 8i that is i cap. ठीक है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लेते हो तो r12 equals to root of 16 square तो ये आएगा 16 और यूनिट रहेगा सेंटीमीटर तो r12 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है दैट इज 16 इनटू 10 टू द पावर -2 मीटर ये दिया है ठीक है आपको बोला है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी अगर एक्सटर्नल फील्ड E 0 है तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी आएगा q1 q2 upon 4 by epsilon 0 r12
डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट करता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की 9 इनटू 10 टू द पावर 9 इनटू पहले चार्ज की कितना है -2 माइक्रो एनेट 10 टू द पावर -6 इनटू दूसरे चार्ज की दैट इज 4 इनटू 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितना है 16 इनटू 10 टू द पावर -2 देखो 4 इनटू 2 दैट इज 8 8 टू द 16 यहां पे बचे 2 और ऊपर क्या बचा 9/2 यानी 4.5 इनटू 10 टू द पावर कितना आएगा तो देखो ये 9 ये -6 -6 -12 यहां पे बचे -3 और ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएंगे +2 तो यहां पे मिलेंगे 10 टू द पावर -1 ठीक है इसको गायब कर देता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा और यहां पे माइनस साइन है तो माइनस 0.452 ठीक है ये रहेगा फर्स्ट इसका आंसर। अब सेकेंड केस में क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ए इंटू 1/r² ठीक है अब देखो यहां पे E का फॉर्मूला रहता है -dv/dr x की जगह क्योंकि वेरिएबल डिस्टेंस है r है तो इसलिए dr इक्वल्स टू क्या आएगा a अपॉन r² इस माइनस साइन को उधर भेजो तो dv इक्वल्स टू -a अपॉन r² इनटू dr अब मेरे को चाहिए v तो v निकालने के लिए आप करोगे ऑन इंटीग्रेटिंग तो इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू -a इंटीग्रेशन 1/r² dr अब देखो यहां पे dv का इंटीग्रेशन v और -a इनटू 1/r² का -1/r ये देखा है आपने ठीक है तो माइनस इनटू माइनस प्लस तो v इक्वल्स टू a अपॉन r आ रहा है ठीक है अब सेकंड क्वेश्चन में कहा रहा है जब ये एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है तो देखो आपने देखा था अगर एक्सटर्नल फील्ड बनता है और दो चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी आया था Vr1 इंटू Q1 प्लस Vr2 इंटू Q2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12 ऐसे आया था इसमें से आपको ये वैल्यू पता है ऑलरेडी कैलकुलेट किया है यहाँ पे तो देखो यहाँ पे जो a है इस a की वैल्यू 8 × 10⁵ मीटर टू द पावर -2 चाहिए वहां पे बुक में सेंटीमीटर टू द पावर -2 रखा है और अगर वो वैल्यू लेता हो तो यहाँ पे आंसर रॉन्ग आता है तो वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे मीटर टू द पावर -2 चाहिए ठीक है तो अब देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी Vr1 दैट इज a अपॉन r1 इनटू चार्ज Q1 प्लस Vr2 दैट इज a अपॉन r2 इनटू चार्ज Q2 प्लस इसकी वैल्यू पता है आपको -0.452 ठीक है अब देखो a की वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करना है सेंटीमीटर नहीं लेना है पे वो प्रिंटिंग मिस्टेक है ठीक है तो देखो 8 × 10⁵ इंटू चार्ज Q1 -2 × 10⁻⁶ अपॉन r1 कितना है 8 सेंटीमीटर लेकिन ये पोजीशन दिया है x एक्सिस पे डिस्टेंस कितना आएगा पॉजिटिव ही आएगा डिस्टेंस नेगेटिव नहीं रहता है तो 8 सेंटीमीटर का कन्वर्ट करो मीटर में -2 ठीक है प्लस यहाँ पे 8 × 10⁵ इंटू 4 μmC -6 अपॉन अगेन डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर तो 8 × 10⁻²⁺ और यहाँ पे है -0.45 अब देखो यहाँ पे 8 कैंसिल यहाँ पे भी 8 कैंसिल यहाँ पे आएगा -2 इंटू 10⁻² इन दोनों का कैलकुलेशन -1 और ये -2 ऊपर जाएगा 10⁻² +2 प्लस
4 into 10 to the power minus 1 और 10 to the power plus 2 minus 0.45 ठीक है। अब देखो यहाँ पे potential energy equals to ये दोनों का calculation करते हो 10 to the power minus 1 10 to the power plus 2 10 to the power 1 बचेगा यानी यहाँ पे होगा minus 20 यहाँ पे होगा plus 40 और यहाँ पे minus 0.45 therefore potential energy equals to 40 माइनस 20 दैट इज 20 माइनस 0.45 तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 20 माइनस 0.45 वो आएगा 19.55 ठीक है। ये बुक में एक मिस्टेक है वो मिस्टेक को अवॉइड करना है वो सेंटीमीटर टू द पावर माइनस 2 लिया है वो एक्चुअल में है मीटर टू द पावर माइनस 2